सौम्या अपना सामान बांधना शुरू कर दियो। ए लड़के, क्या कहा तुमने? क्या मतलब था तुम्हारी बात का? दादी हम कह रहे थे कि गरम कपड़े बांधना शुरू कर दो। मौसम बदल रहा है, ठंड चली गई, धूप निकल आई, अब इसलिए बस। दादी इसकी जबान ज्यादा चलने लगी आजकल, उसको छोड़ो, तुम अपना देखो। अगर तुम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रही तो ये पतंग कभी नहीं कटेगी। मैं क्या करूं दादी? मुझे पतंग तो उड़ानी भी नहीं आती। अरे पुत्तू, एक पतंग सिर्फ दूसरी पतंग से ही नहीं कटती, मांझा काट दो, पतंग अपने आप जमीन पे आ जाएगी। चलो अब तुम ट्राई करो, जल्दी करो। क्या ट्राई करूं? पतंग उड़ाओ। अरे तुम ही करो। गोल को लड्डू बना सकते हो, पतंग नहीं उड़ा सकते हो। चलो। अरे डरो मत, वैसे भी भगवान ने तुम्हें इतनी लंबी सी नाक दी है कि तुम चाहो तो इस पे ही मांझा बांध के पतंग उड़ा सकते हो। खूब ऊंची उड़ेगी। वेरी फनी। अच्छा अच्छा सॉरी, चलो अभी उड़ा। चलो उड़ाओ, पकड़ो। अरे बट बेटा कर लेना, ट्राई कर ले। माँ लो ध्यान से। हाँ क्या ध्यान से? गुरु तुम पतंग कटवाई दी। थैंक गॉड भैया, इज्जत बचा लिया यार आपने। अबे नाक कैसे कटती? जेठू में भी कुछ तो मान होगा। स्वानी सॉरी। आप लोग थक गए होंगे, हम आपके लिए नींबू पानी लेके आते हैं। चलो भाई सब लोग नींबू पानी पी लो, नहीं तो सनस्ट्रोक हो जाएगा।
मिजाज। सोमू को क्या हो गया है? ऐसी क्या वजह है कि वो हमें हराना चाहती है? क्यों कर रही है वो ये सब? रमेश जी, भैया जी, इधर आओ। बहुत मीठा है, नमक डालो इसमें। रमेश भैया, वो हमें दे दीजिए। सौम्या। हाँ युवराज, को इसमें थोड़ा सा नमक चाहिए था, तुम डाल दो। हाँ मैं अभी डाल देती हूँ। चम्मच। सौम्या, चुटकी पर नमक ही तो डालना ना, चम्मच की क्या जरूरत, हाथ से डाल दो। नहीं सुहानी, वो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं चम्मच से ही डालती हूँ। अच्छा, हाथ गंदे हो जाएंगे या फिर उंगली पे लगी चोट पे नमक जलेगा? मछली वाली बात की तरह इस बार भी तुम हमसे झूठ बोल रही हो। हमने देखा था सौम्या। क्यों सौम्या, तुमने हमारे युवराज की पतंग का मांजा क्यों काटा? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? दादी उधर देखिए, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है वहां पर। मैं देख कर आती हूँ। नहीं तुम रुको, हम देख कर आते हैं। बंद कर सुहानी, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। मतलब सौम्या, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसे बदल क्यों रही हो, ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? बोलो सौम्या, और आज बिना जवाब दिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बोलो तुम, तुझे जवाब चाहिए ना? हाँ तो सुन, मैं ये सब तेरी वजह से कर रही हूँ। कि दोनों ऐसा कर क्यों रही हैं? हमने क्या किया सोमू, हमने क्या किया है? तूने किया सुहानी, ये सब तूने ही किया है। ये मैं जो भी कर रही हूँ ना, ये मैं सब तेरी वजह से कर रही हूँ। क्यों सामने किस बात का इल्जाम लगा रही हो तुम? हमने किया क्या है? हम तो सिर्फ अपने पति के साथ पतंग उड़ा रहे थे और तुमने मांझा काट दिया। हाँ मैंने काटा मांझा, क्योंकि मैं बस बंद करो तुम दोनों, और लड़की तुम, ऐसे त्योहार के मौके पर कोई अपनों से भला लड़ता है क्या? दादी हम कोई सवाल नहीं कर रहे। बस हमें कुछ नहीं सुनना, जो भी हुआ उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते थे, और त्योहार के मौके पर सब खुशियां बांटते हैं, और यहाँ तुम अपनों पे सवाल खड़े कर रही हो। और सौम्या तुम, ये तो ऐसी ही है, तुम तो कुछ बड़प्पन दिखा सकती थी। जाओ तुम कमरे में जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। और तुम लड़की जाकर खाने की तैयारी करो। सौम्या क्या हो गया तुम्हें, ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? दादी दादी तो मैं और क्या करूं, वो सुहानी मेरा सर खा गई थी, मैं इरिटेट हो चुकी हूं। मेरा मन तो करता है कि मैं जाकर उसे सब कुछ सच बता दूं, मैं अकेली हो गई हूं दादी। Oh,
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।